इक्वल्स टू बी, अब गौर करें, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, तो व्हाट अबाउट ए एंड सी? मैथमेटिक्स क्या कहती है? इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, देन 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 ए मस्ट बी इक्वल्स टू सी. मैथमेटिक्स तो यही कहती है. तो जब ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स कंज्यूमर को इक्वल सेम सेटिस्फैक्शन देंगे, तो ए और सी वाला पॉइंट भी क्या देना चाहिए? इक्वल सेटिस्फैक्शन देना चाहिए. कंज्यूमर ए वाली क्वांटिटी कंज्यूम करे, ए पॉइंट वाली, या सी वाली क्वांटिटी कंज्यूम करे, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आए जरा इधर देखते हैं, एक क्वांटिटी को देख लो. ए पे एक्स की क्वांटिटी इतनी आ रही है, एक्स वन. अब जरा गौर कीजिएगा फाइनल मोमेंट्स. और जबकि सी पे ये चला जाएगा आगे एक्स टू, तो कंज्यूमर कहां पे खुश होगा? क्या ए ले ले या बी सी ले ले, बराबर है उसके लिए? इधर तो ये दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है. कंज्यूमर अल्टीमेटली यही कहेगा ना, जहां मुझे ज्यादा मिल रहा है मैं वहां पे खुश होऊंगा. यानी कि कंज्यूमर विल बी मोर हैप्पी ऑफ कंज्यूमिंग द क्वांटिटी ऑफ पॉइंट सी रादर देन पॉइंट ए. तो इस केस में इस बड़ी वाली तस्वीर को देखो, तो क्या ये चीज प्रूफ हो रही है? यहाँ पे ये ए इज नॉट इक्वल्स टू सी है, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल्स टू सी. तो आपने देखा यहां पे जो है कंज्यूमर पॉइंट सी पे आके ही अपनी फाइनल कंजम्पशन करेगा जो कि उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा. सो इन दिस केस हम कहेंगे कि ए इज नॉट इक्वल्स टू सी, और ये ए इज नॉट इक्वल टू सी जो है वो कहलाता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसिविटी, टी आर ए एन एस आई वी आई टी वाई. इस तरह ये इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स अख्ताम हुई, किस तरह कहानियां लेके चले हम लोग, और फाइनली इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं एक फाइनल वर्डिक्ट के टू आईसीस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स फाइनल. तो ये ख़त्म हो गया, ये हासिल कलाम यहाँ का. और चलें जी, डन हो गया ये कैरेक्टरिस्टिक्स.